हेलो फ्रेंड्स, फूडी मूडी विद अक्षता में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है नटी चॉकलेट्स। सबसे पहले हम चॉकलेट्स को मेल्ट करेंगे। चॉकलेट्स को कभी भी हमें डायरेक्ट हीट करके मेल्ट नहीं करना होता है। चॉकलेट्स को हमें डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करना होता है। एक बाउल में सारे चॉकलेट्स डाल दें। डबल बॉयलर मेथड में हमें ये करना है कि हमें एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखना है। पानी गर्म हो जाने के बाद जब इसमें से बॉयल आने लगे तो हमें ये बर्तन इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। इसका पानी इस बर्तन को बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसकी हीट ही इसे लगनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें बॉयल आ जाने देंगे। पानी में बॉयल आ गया है, अब इस पे ये कंटेनर रख दें। फ्लेम को मीडियम रखें। अब इस चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट्स मेल्ट होना शुरू हो गया है। चॉकलेट्स ऑलमोस्ट मेल्ट हो गए हैं, फ्लेम ऑफ कर दें। कंटेनर की हीट से बाकी चॉकलेट्स भी पूरी तरह से मेल्ट हो गए हैं। चॉकलेट मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ काजू बादाम और अखरोट लिया है, मैंने इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे इसमें डाल के मिक्स कर दें। यह अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे हम मोल्ड करेंगे। चॉकलेट्स मोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड लिया है। मैंने हार्ट शेप का लिया है, आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। इन मोल्ड को चॉकलेट से फिल करें। मैंने सारे चॉकलेट मोल्ड्स को भर दिया है। इसे इस तरह से हिला के इवन कर लें। अब हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट हो गया है, मैंने चॉकलेट को फ्रिज से निकाल लिया है। ये अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। इसे इस तरह से प्रेस करें, ये बहुत ही इजीली निकल जाता है। मैंने सारे चॉकलेट्स को डीमोल्ड कर दिया है, अब हम इसके एजेस की फिनिशिंग करेंगे। चॉकलेट के एजेस पे यहाँ पे इस तरह से दबा के से तोड़ दें। एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल दें। अब हम चॉकलेट्स को कलर पेपर से रैप करेंगे। पे चॉकलेट रखें सेंटर पे। अब इसको एक मेटल ट्विस्ट के हेल्प से पैक कर दें। हमारा चॉकलेट रैप होकर के रेडी है। इसी तरह से बाकी चॉकलेट्स को भी हम रैप कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स पहले से रैप करके रखे हैं। अगर आपको मेरी ये नटी चॉकलेट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।